पे हो तो इरेलेवेंट होती है, प्रोडक्शन बेसिस पे हो तो रेलेवेंट होती है। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम टाइम बेसिस रिज्यूम करेंगे, जबरदस्ती प्रोडक्शन बेसिस नहीं लाएंगे। एंड फॉल इन रेजिडुअल वैल्यू इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। अगर ये एक्स्ट्रा स्पेयर कैपेसिटी का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से पहले एक मशीन बिक सकती थी 60,000 की, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद बिकेगी 40,000 की, तो ये रेजिडुअल वैल्यू में फॉल आया है वो रेलेवेंट कॉस्ट है, बिकॉज ये रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। हाँ, ये प्लीज इस कॉन्सेप्ट को डिफीट करने की जरूरत है, ठीक है जी। रेलेवेंट कॉस्ट की उस डेफिनेशन के अलावा कोई और डेफिनेशन 100% कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। अभी टाइम नहीं था, वरना मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाता, संक कॉस्ट पढ़ाता, फिर आपको उस पर लेके जाता इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे, और फिर समझाता कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बास केसेस में रेलेवेंट होती है, बास केसेस में रेलेवेंट नहीं होती। इवन इंक्रीमेंटल कॉस्ट बास केसेस में रेलेवेंट है, बास केसेस में रेलेवेंट नहीं है। इसलिए मेरी दोबारा सजेशन ये है पीछे है कि रेलेवेंट कॉस्ट की रेलेवेंस डिसाइड करने के लिए प्लीज स्टिक ऑन टू दिस सेंटेंस। इसके अलावा जो कुछ आपके जहन में है उसको भूल जाए। इट मे नॉट बी अ कैश फ्लो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इट मे इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्रीमेंट कॉस्ट, ठीक है जी। वरना तो हम एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते अगर उसको कैश ले लेंगे, ठीक है जी। और फ्यूचर में भी हम जो प्रोजेक्शंस बनाते हैं वो एक्रूअल बेस्ड होती हैं, बजटिंग में जाके, वर्किंग कैपिटल में जाके। सो रेलेवेंट कॉस्ट का, इसीलिए मैंने कहा था वो जुमला आज का सबसे इंपॉर्टेंट जुमला है। नेक्स्ट चलिए, बस यहाँ पे एक सेकंड रोक लीजिए, पीछे आ जाए। सो यहाँ तक मैंने काफी बोल ली है, अब आपके कुछ करने की बारी आ गई है। अच्छा चलें जी, वो आपका टाइम डिले हो गया, फोटो कॉपी भी अवेलेबल नहीं है जी। जी 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 वो शामिल करेंगे, हाँ वो करेंगे जी, वो रेलेवेंट होगा। थोड़े सा मैं आप इजाजत दें, मैं आपकी बात रिपीट कर दूं सबके लिए। ये जो सवाल है इनका, ये यहाँ से जनरेट हुआ है। जो परमानेंट लेबर होती है, जब उसके पास स्पेयर टाइम अवेलेबल होता है तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट नील होती है। लेकिन उसी परमानेंट लेबर के लिए अगर वेरिएबल ओवरहेड्स इनकर हो रहे हैं, तो और तो आपने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन मेरी वजह से आपके कमरे की बिजली तो चल रही है, मैं आपका चाय पानी तो पी रहा हूँ, तो वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगी। लेबर की कॉस्ट इरेलेवेंट होने से उस लेबर से एसोसिएटेड वेरिएबल ओवरहेड्स इरेलेवेंट नहीं हुए। आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू टू लुक एट दिस सेंटेंस। वेरिएबल ओवरहेड्स चेंज हो रहे हैं तो बस फिर वो रेलेवेंट हो गए जी। अब तक के पॉइंट्स में किसी को कोई और इशू क्वेश्चन, एक मैंने आपसे करवाना है, वो भी फोटोकॉपी होकर आ जाए। अब हम आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, कंस्ट्रेंट्स। जो हमारा ये टॉपिक है डिसीजन मेकिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स कंस्ट्रेंट, इसमें ज्यादातर किताबों ने फिजिकल रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट को ही डिस्कस किया है, जैसे कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो गई, लेबर की अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो गई, मशीन आवर्स लिमिटेड हो गए। अनफॉर्चुनेटली आईकैप के एक दफा फंड्स की लिमिटेशन को भी इसमें कंसिडर किया है, और मॉड्यूल डी पे किया है, मॉड्यूल एफ पे नहीं किया। वो सवाल मैं भी आपको देता हूँ, कोई आप में से कुछ लोगों ने वो किया होगा, लेकिन देखें दोबारा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो उससे बिकॉज जितनी भी किताबें हैं वो फंड्स की लिमिटेशन को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डिस्कस करती हैं, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करती। बाहर एक सवाल में उसने फंड्स की लिमिटेशन को भी कंसिडर किया गया। अच्छा जी, सेल्स की लिमिटेशन हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा से रहेगी। ये बात इसलिए हम कहते हैं कि नीचे आके जब हम सिंगल लिमिटिंग फैक्टर की बात करते हैं और मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर की बात करते हैं, तो ये सारे लिमिटिंग फैक्टर एक्सक्लूडिंग सेल्स लिमिटेशन है, ठीक है जी। ये सारे लिमिटिंग फैक्टर अगर फंड्स को एक सेकंड के लिए इग्नोर करते हैं, ये फिजिकल रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स हैं। अच्छा जी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिंगल लिमिटिंग फैक्टर का, अगर सिंगल लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आएगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोच इज द बेस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोच क्या है, एनीवन विल रिपीट? हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस वक्त क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग में कौन सी फेज डिस्कस कर रहे हैं? कि हम लोग लिमिटेशन फैक्टर्स हैं हमारे पास, कोई हमारा रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है,
और इस रिसोर्स के लिमिटेड होने की वजह से ऑल दो हमारी डिमांड तो ऐसी हाइपोथेटिकल डाटा बना रहा हूँ, प्रोडक्ट ए की 6000 यूनिट्स की है, प्रोडक्ट बी की 5000 यूनिट्स की है, प्रोडक्ट सी की 4000 यूनिट्स की है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास मशीन आवर्स आजकल की लोड शेडिंग को देखते हुए मशीन आवर्स लिमिटेड हैं, हम 100% डिमांड अपनी पूरी नहीं कर सकते, तो हमें इस लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स को देखते हुए प्रोडक्शन प्रेफरेंस सेट करनी है कि हम प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर किस प्रोडक्ट को पहले प्रेफर करेंगे। और इसमें हमारा एजम्पशन ये है कि ये जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं। मैं अपने इस वर्ड पे दोबारा आऊंगा बिकॉज एग्जामिनर ने, आईकैप एग्जामिनर ने दोनों तरीके से सवाल पूछा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जाम्पल ये है कि अगर हम पेप्सी, मरिंडा और टीम बनाते हैं और पेप्सी बना पाते हैं और मरिंडा नहीं बना पाते, तो कोई शख्स पेप्सी खरीदने से इसलिए इनकार नहीं कर देगा कि मैं मरिंडा नहीं बना रहा, उसको तो पेप्सी चाहिए थी। सो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। सो हम प्रोडक्शन प्रेफरेंस कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन प्रेफरेंस करते हुए हम यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोच से मुराद है कि किस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन प्रेफरेंस देंगे, किसको देंगे जी, विच हैज हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये पूरा जुमला हमारे जेहन में होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट का हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होगा हम प्रोडक्शन प्रेफरेंस करते हुए उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। ये तो है सिंगल में के केस में, थोड़ा सा रिपीट करके मैं क्वेश्चन पे आता हूं। फिर अगर मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स हों और दो प्रोडक्ट्स हों तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज द सोल्यूशन, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। और अगर दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स हों और कंस्ट्रेंट्स हों तो सिंप्लेक्स मैथड होता है जो आईकैप के सिलेबस में नहीं है। तो हमें जो आईकैप में एग्जाम आ सकता है वो ज्यादातर सवाल आए हैं सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के, और प्रोडक्ट्स जितनी मर्जी हों अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, और तब हम कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोच से करेंगे। अगर मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स हों और दो प्रोडक्ट्स हों तो लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स भी दो से ज़्यादा हों कंस्ट्रेंट्स भी दो से ज़्यादा हों तो फिर छुट्टी होगी, ठीक है जी, फिर वो हमारे इशू नहीं है जी। सिंगल लिमिटिंग फैक्टर में हम सेल्स को कंसिडर नहीं करते, अगर वो होंगी भी तो वो सिंगल ही कंसिडर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मशीन आर को कंसिडर किया। इसीलिए मैंने ये पॉइंट पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि सेल्स की लिमिटेशन तो हमेशा से थी, हमेशा से है, हमेशा रहेगी, वरना सारी दुनिया के पास सिर्फ पियानो की बॉल पॉइंट होती, हम सब ने सिर्फ सर्विस के जूते पहने होते, हम सबके पास सिर्फ बनंजा की शर्ट होती, सिर्फ सुजुकी की गाड़ी होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। सो प्रैक्टिकल लाइफ की डिसीजन मेकिंग करनी है। सो सेल्स की लिमिटेशन तो हमेशा से थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। ग्राफ इसमें आता है बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग में, अभी हम आएंगे उसके ऊपर, ग्राफ इसके अंदर आता है, ठीक है जी। वहां पे जब जी उसमें ग्राफ नहीं आता, सिंप्लेक्स में ग्राफ नहीं आता, वो मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व होता है, वो जेडे पिंड जाना नहीं, उधर राय ने पूछी था अगले लिए। हाँ जी चले जी, अच्छा चले जी, आपकी खुशकिस्मती यहाँ बैड लक, कॉपीज नहीं आ रही, वरना मैंने सवाल अब तक दो तीन करा दिए होने थे, ठीक है जी। सो इसलिए आप मुझे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो इससे अगले डिसीजन पे चलते हैं, मैं फिर वापस आऊँगा उस पर। कुछ और डिसीजन जो हमें एग्जाम में आए हैं, दैट इज मेक और बाय डिसीजन, ये अब स्पेयर कैपेसिटी डिसीजन से हम बाहर आ गए हैं। मेक और बाय डिसीजन कि आपने खुद बनाने के बाजार से खरीदना है, होंडा ने टायर खुद बनाने हैं बाजार से खरीदने हैं, ठीक है जी। आप में से जो लोग होंडा को ऑडिट करते हैं वो ये जानते होंगे कि ये वो बद्दू का ऊंट है, ये लोग पहले होंडा एटलस टायर्स हुआ करते थे और होंडा जापान को टायर दिया करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता टायर तो अपनी जगह अपनी गाड़ी पूरी बना रहे हैं, ठीक है जी। सो मेक और बाय डिसीजन, माय हिंट, मैं बस एक सेंटेंस मेक और बाय डिसीजन के बारे में आपसे कहूंगा कि अगर मेक और बाय का डिसीजन आए तो इसको करने की दो अप्रोचेज हैं, और ज्यादा अच्छी अप्रोच इंक्लूसिव वाली अप्रोच है। और अगर आप कॉलिन ड्यूरे देखेंगे और अच्छी किताबें देखेंगे तो उसने इंक्लूसिव वाली अप्रोच से किया हुआ है। वो क्या है वो मैंने नहीं पढ़ानी इसलिए मैं बताऊंगा ही नहीं क्या है, मैंने जो पढ़ाना है वो एक्सक्लूसिव है। एज अ स्टूडेंट मैं फील करता हूँ कि एक्सक्लूसिव वाली अप्रोच एग्जाम हॉल के लिए आसान है। आप मेकिंग की ऑप्शन को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कंसिडर करें और बाइंग की ऑप्शन को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंसिडर करें, वरना एग्जामिनर बास केसेस में आईकैप का सोल्यूशन और बहुत सारे ऑथर्स